Good morning student, it is video number 14 of chapter Magnetic Effect of Electric Current class 10th and today we discuss two topics. One is short circuit and second is overloading. So first of all, what is short circuit? हमारे पास हमारे जो homes होते हैं उसके अंदर three types की wire होती हैं. One is live wire जो red color की होती है, second is neutral wire जो black color की होती है and third one is the earth wire which is green color. So हमारे घर के अंदर जो करंट एंटर करता है वो लाइव वायर के थ्रू एंटर करता है. तो यहाँ पे जो मैंने रेड कलर से ये वायर बनाई है ये लाइव वायर है. कौन सी वायर है? ये लाइव वायर. और ये जो ब्लैक से वायर बनी हुई है ये न्यूट्रल वायर है. ये क्या है? न्यूट्रल वायर. ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये एक हमारा बल्ब लगा हुआ है. क्या लगा हुआ है? ये हमारा एक बल्ब लगा हुआ है. तो क्या करेगा, करंट यहाँ लाइव वायर से आएगा, बल्ब से निकलेगा, बल्ब ऑन हो जाएगा और न्यूट्रल से वापस पावर स्टेशन में चला जाएगा. सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, बल्ब ऑन हो जाएगा. अब आपने देखा भी होगा जो हमारी वायर्स होती हैं उनके ऊपर एक इंसुलेशन प्रोवाइड होती है, प्लास्टिक प्रोवाइड होती है ना. जैसे लाइव वायर के ऊपर रेड कलर की इंसुलेशन होती है, न्यूट्रल वायर के ऊपर ब्लैक कलर की इंसुलेशन होती है, ब्लैक कलर का प्लास्टिक डिपॉजिट होता है. और जो हमारा अर्थ वायर होती है उस पर ग्रीन कलर की लेयर प्लास्टिक लगी होती है, वो इंसुलेशन होती है. तो बाय चांस किसी रीजन से, नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं, वायर बहुत पुरानी हो चुकी है, काफी टाइम से यूज हो रही है, आपको पता होगा कि करंट के पास हीटिंग इफेक्ट होता है, करंट जिस वायर से चलता है उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, काफी लंबे टाइम से यूज हुई, तो नंबर ऑफ रीजन की वजह से वायर की इंसुलेशन ब्रेक हो गई है, इंसुलेशन खराब हो गई है. मतलब ऊपर की जो प्लास्टिक थी, जो रबड़ लगी हुई थी वो ब्लैक या रेड कलर की, वो वहां से हट गई है. ठीक है, तो देखो ये है नॉर्मल वायरिंग है, ये मतलब लाइव वायर से करंट आता है, न्यूट्रल से चला जाता है, बल्ब ऑन हो जाता है, ये नॉर्मल वायरिंग है. बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ बल्ब ऑन है, यहाँ पे क्या होगा, बाई चांस डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो गया किसके बीच में, न्यूट्रल वायर के बीच में और लाइव वायर के बीच में. समझ में आ रही, इंसुलेशन ब्रेक हो गया, इंसुलेशन टूट गया दोनों का, लाइव वायर का भी और न्यूट्रल वायर का भी, और डायरेक्ट टच में आ गया. देखिए यहाँ पे, तो यहाँ इस पॉइंट पे जहां लाइव वायर ने और न्यूट्रल वायर ने एक दूसरे को टच किया वहां पे क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट. शॉर्ट सर्किट होने की वजह से सर्किट के अंदर बहुत ज्यादा करंट चला जाता है, इतना ज्यादा करंट चला जाएगा कि हमारा जो ये बल्ब होगा ये फ्यूज हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा करंट ये बियर नहीं कर सकता. मान लो पहले 5 एम्पियर करंट आता था, तो इनके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होने से करंट 10 एम्पियर 15 एम्पियर तक चला जाएगा, तो जिसकी वजह से बल्ब जो है वो फ्यूज हो जाएगा. इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट. क्लियर, तो अ सडन फ्लो ऑफ वेरी लार्ज करंट ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आ जाता है दोनों में, इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट. अब रीजन इसके मैंने यहाँ पे कुछ एक लिखे हैं, जैसे आपको मैंने यहाँ 3 रीजन मेंशन किए हैं. पहला, फेलियर ऑफ इंसुलेशन. मैंने आपको बताया था जो इंसुलेशन लगी होती है वायर के ऊपर वो फेल हो गई है, वो उखड़ गई है, वहां से हट गई है, जिसकी वजह से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो सकता है. प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल कंडक्टर. एक्सटर्नल मतलब बाहर, मतलब वायर के बाहर कोई और कंडक्टर आ गया. जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं वाटर ले सकता हूँ, और वाटर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसकी वजह से भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है. वायरिंग में कहीं किसी वजह से, बारिश की वजह से पानी है वो वायर के पास पहुंच गया है, जिसकी वजह से कंडक्शन हो गया है. और यूज ऑफ लेस रेटिंग वायर्स, मींस हमने एक 15 एम्पियर के डिवाइस को, मतलब एक जैसे एक हैवी लोड को चलाने के लिए हमने थिन वायर यूज कर लिया, जैसे एयर कंडीशनर को चलाने के लिए हमने 5 एम्पियर की वायर यूज कर ली, तो 5 एम्पियर की वायर की रेटिंग उस एयर कंडीशनर के हिसाब से क्या है, कम है. तो लो रेटिंग वायर, लेस रेटिंग वायर अगर हम यूज करेंगे तब भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है. उसके बाद इफेक्ट की बात की जाए तो क्या होगा अगर शॉर्ट सर्किट हो गया, तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से एक तो सर्किट के अंदर ज्यादा करंट चला जाएगा, और ज्यादा करंट चला जाएगा तो उस सर्किट में जो भी डिवाइसेज उस टाइम ऑन होंगे, जितने भी डिवाइसेज ऑन होंगे वो सब फ्यूज हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं. दूसरा, डैमेज टू द सर्किट. सर्किट को डैमेज होगा. मान लो उस टाइम पे अगर आपका टीवी ऑन था तो टीवी खराब हो जाएगा, फैन ऑन होगा तो वो भी फ्यूज हो जाएगा, बल्ब होगा तो वो भी फ्यूज हो जाएगा. सेकंड, मेन लीड टू फायर. कभी कभी स्पार्क इतना ज्यादा होता है कि आग भी लग सकती है. तो ये मैंने आपको बताया शॉर्ट सर्किट की डेफिनेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, उसके रीजन क्यों होता है, इफेक्ट. अब हम पढ़ते हैं ओवरलोडिंग. ओवरलोडिंग को आप ऐसे समझिए, जैसे देखो आपके घर में अभी कुछ डिवाइसेस चल रहे हैं, लाइक कुछ ट्यूब, कुछ फैंस, अभी एट प्रेजेंट फ्रिज भी चल रहा है, ऑन है, सब चल रहे हैं. आपने एक बल्ब और ऑन कर दिया, तो क्या बाकी जो पहले ऑन डिवाइसेस थे, जो ऑन थे पहले बल्ब, क्या उनकी ब्राइटनेस पे कोई चेंज आएगा? नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा. लेकिन अगर आप एकदम से अचानक से हीटर चला दो,
हैवी लोड या एयर कंडीशनर चला दो, तो आप क्या देखोगे, जो पहले लाइट्स ऑन थी वो डिम हो जाएंगी। समझ में आ रही बात? क्यों ऐसा क्यों हुआ? ओवरलोड हो गया। ओवरलोड समझते हो, ओवर ज्यादा लोड हो गया। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता कि हम अपने सभी मेन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एक ही पर्टिकुलर रूम में लगा के रखते हैं। एक ही पर्टिकुलर रूम में एलईडी भी है, वहां पर कूलर भी है, वहां पर एसी भी है, वहां पर 3-4 फैन भी है वहां पर। नहीं, हर एक रूम में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जिस रूम में एयर कंडीशनर होता है शायद वहां पे कूलर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है ना। कूलर हम किसी दूसरे, मतलब किसी भी सर्किट का एक पर्टिकुलर लोड हम मेंटेन करके रखते हैं। अगर लोड ज्यादा बढ़ेगा, मान लो एक टाइम पे आपने बहुत सारे डिवाइसेस, हैवी डिवाइसेस ऑन कर दिए, किचन में हीटर ऑन हो गया खाना बनाने के लिए, किसी रूम में एसी ऑन कर दिया ताकि कूलिंग हो जाए, है ना, और साथ में गीजर ऑन हो गया कहीं पे वॉशरूम वगैरह में, तो मतलब कि एक टाइम पे बहुत सारे डिवाइसेस हैवी लोड ऑन कर दिए, तो क्या होगा? तो उन सब को ज्यादा करंट चाहिए 15 एम्पीयर वाला। तो सब को अपना करंट लेने के लिए, सब करंट लेंगे ना, तो उस वायर में से ज्यादा करंट जाएगा। ज्यादा करंट जाएगा तो वायर का इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, और इंसुलेशन ब्रेक होगा तो किसका रिस्क रहेगा? शॉर्ट सर्किट का। और शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा? वो वायर खराब हो सकती है, वो डिवाइस खराब हो सकता है, आग लग सकती है। ये होता है ओवरलोडिंग। इफ द टोटल पावर रेटिंग, पावर होती है ना इतने वोट का है, वोट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। फैन की अपनी पावर होती है, बल्ब की अपनी पावर होती है, एयर कंडीशनर की अपनी पावर होती है, हीटर की अपनी पावर होती है। जब वो पावर रेटिंग, टोटल पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट एक्सीड, ज्यादा हो जाती है, इट्स लिमिट, एक लिमिट से ज्यादा हो जाती है, देन वायर स्टार्ट ड्रॉइंग ए वेरी लार्ज करंट कॉल्ड ओवरलोडिंग। समझ आ रही बात? मान लो देखो, एक रूम की सर्किट में एक हमने ऐसी वायर लगा रखी है जो 15 एम्पियर करंट ड्रॉ कर सकती है, मतलब 15 एम्पियर तक तो करंट आएगा, ठीक है, 15 एम्पियर से ज्यादा आएगा तो ब्रेक हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, उसकी इंसुलेशन डैमेज हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब मान लो उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपने 2-3 हैवी लोड्स एक साथ ऑन कर दिए, जैसे हीटर भी वहां ऑन कर दिया आपने एक साथ, आप बोर्ड डिवाइसेस ऑन कर लो, आप इलेक्ट्रिक आयरन भी यूज करने लगे हो, कपड़ों पर प्रेस कर रहे हो, साथ में आपने एयर कंडीशनर भी ऑन कर दिया, तो उन सबको ज्यादा करंट चाहिए ना, तो वो ज्यादा करंट लेंगे, और वो सारा करंट कहाँ से आएगा? उस वायर से। तो उस वायर में उसकी लिमिट से ज्यादा करंट आएगा तो वो वायर क्या होगी? डैमेज हो जाएगी, है ना। तो ये होता है। अब इसके रीजन यहाँ पे लिखे हैं, कनेक्टिंग टू मैनी अप्लायंसेस टू द सिंगल सॉकेट। एक ही सॉकेट में हम बहुत सारे डिवाइसेस एक साथ ऑन कर देते हैं। सम फॉल्ट इन द अप्लायंसेस, कुछ फॉल्ट आ गया है हमारी एप्लीकेशन में। इंसुलेशन फेलियर, मैंने अभी भी बताया, जो ऊपर इंसुलेशन प्रोवाइड होती है, जो प्लास्टिक प्रोवाइड होती है, वो ब्रेक हो गया, जिसकी वजह से लाइव वायर और न्यूट्रल वायर में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आ गया, जिसकी वजह से हैवी करंट आ जाता है ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, अभी मैंने बताया, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ये होगा कि ड्यू टू विदड्रॉन ऑफ लार्ज करंट, तो ज्यादा करंट आएगा, एक्सेसिव हीटिंग ऑफ वायर टेक प्लेस, ज्यादा हीटिंग हो जाएगी, मे लीड टू फायर। क्योंकि देखो, हीट का फॉर्मूला होता है H = I² RT। तो अगर ये करंट इंक्रीज हो गया तो करंट के स्क्वेयर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट। समझ में आ रहा है? मान लो पहले करंट आ रहा था 5 एम्पियर, ठीक है, तो हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही थी? 5 का स्क्वायर 25 टाइम्स। समझ में आ रही बात? अब देखो, 25 टाइम्स हीट प्रोड्यूस हो रही थी। मान लो किसी वजह से करंट 15 एम्पियर हो गया, अब 15 एम्पियर हो गया तो 15 का स्क्वायर 225 टाइम्स। समझ में आ रही? 225 टाइम्स हीट प्रोड्यूस इंक्रीज हो गई। समझ में? हीट प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। तो पहले कितनी थी? 25 टाइम्स, और अब कितनी है? 225 टाइम्स। और गलती से अगर ये करंट 20 एम्पियर तक चला गया तो 20 का स्क्वायर 400 टाइम हीट प्रोड्यूस होगी। तो इतनी ज्यादा हीट होगी कि वहां स्पार्क होगा और मे बी फायर भी हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग बड़ा सिंपल सा है, आप गर्मियों में देखते भी हो, नॉर्मली विलेजेस में होता है कि जब लाइट आती है एकदम से, क्योंकि वहां पर लिमिटेड सप्लाई होती है लाइट की, तो जैसे ही लाइट आती है तो हर एक घर में हर एक पर्सन चाहता है कि वो जल्दी से अपने काम फिनिश करे, तो सबके सब, और थोड़ा तो वो सबके सब क्या करते हैं, एकदम से अपने गीजर को, हीटर को ऑन कर देते हैं। और हीटर, जैसे ही सब घरों में हीटर ऑन होगा, 5-6 घरों में हीटर ऑन होगा, तो क्या होगा? करंट ज्यादा आएगा तो इंसुलेशन ब्रेक होगी, इंसुलेशन ब्रेक होगी तो वो वायर डैमेज होगी और लाइट ऑफ हो जाएगी, और हम क्या कहते हैं कि लोड बढ़ गया। समझ में? ओवरलोडिंग, लोड बढ़ जाना, शॉर्ट सर्किट, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो जाना, इसी को बोलते हैं। देखो, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट का मतलब ये नहीं है कि एक वायर थी उस पे
ये एक वायर है लाइव वायर और इसके ऊपर इंसुलेशन है प्लास्टिक है, और ये न्यूट्रल वायर है इस पर भी इंसुलेशन है, ये आपस में टच में तो ये शॉर्ट सर्किट नहीं है, नहीं, जब इसकी इंसुलेशन यहाँ से हट जाएगी, समझ रहे हो, और इसकी भी इंसुलेशन यहाँ से हट जाएगी जब वो दोनों एक दूसरे को टच करेंगे। देखो मान लो ये इंसुलेशन यहाँ से हट गई, ठीक है, और इसकी इंसुलेशन ये यहाँ से हट गई, तो जब ये दोनों आपस में डायरेक्ट टच में आएंगी तब जाके शॉर्ट सर्किट होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।